माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने। कल विवाह पंचमी है और देश के संगे पूरी दुनिया में भगवान श्री राम और जानकी को विवाह मनाओ जय है और ईखो बहुत धूमधाम से जो हिंदू धर्मावलंबी हैं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। देश की अगर बात करें तो देश में अयोध्या जो मंदिर है बहुचर्चित मंदिर है उतई भी बहुत सारी तैयारियों के संगे राम जानकी विवाह उत्सव मनाओ जय और ई के संगे संगे बुंदेलखंड की जो अयोध्या कही जात है ओरछा जिते हम मौजूद हैं इत भी कल राम जानकी विवाह उत्सव मनाओ जय पूरी धूमधाम से। तो हमें एक साध्वी जी मिली, साध्वी आस्था व्यास, जो अयोध्या धाम की छोटी छावनी से ताल्लुक़ रखती हैं और जाने माने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज उनकी शिष्या हैं। इनसे जाने के ओरछा कैसे कहाँ आई और का प्रभु श्री राम जी की महिमा है विवाह की का कछु प्रसंग है। सभी को जय सिया राम, जय श्री सीताराम। आप सभी का इस सुंदर इच्छु बुंदेलखंड की जो कही जाने वाली अयोध्या नगरी ओरछा में हम सभी भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है कि राम राजा ने ओरछा में आसन लगाई, चलो दर्शन को भाई। हम भी अपने बड़े रामदास छावनी सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ओरछा में दर्शन करने आए विवाह पंचमी के सुंदर अवसर पर, क्योंकि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम का विवाह हुआ मैया जानकी जी के साथ। कथा श्री रामचरित मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि हमारे राम जी अयोध्या से जनकपुरी गए अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के साथ और वहां पर धनुष को तोड़ा, और धनुष जैसे ही तोड़ा, क्योंकि जनक महाराज की प्रतिज्ञा थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वही हमारी जानकी जी के साथ विवाह करेगा। तो जो धनुष को राम जी ने तोड़ा तो विवाह हुआ। तो जिस दिन भगवान का विवाह जानकी जी के साथ हुआ उस दिन विवाह पंचमी को मनाते हैं उत्सव के रूप में, और हर साल भगवान श्री राम जी का सीता जी के इस वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में इसका उत्सव मनाते हैं, जो ओरछा में भी दर्शन करने को हम सबको मिल रहा है। जी सर जी, सब कथाएँ हम लोगों ने सुनी के धनुष तोड़ो, शादी भई, विश्वामित्र जी के संगे आए, कछु ऐसे प्रसंग भी हैं जो आम जनता तक नहीं पहुँचते हैं। बहुत सारी कथाएं होती हैं या बहुत सारी राम कथाएं होती हैं, कछु ऐसे प्रसंग भी हैं भगवान के बारे में। हाँ, एक तो कथा आती है कि हमारे जानकी जी के विवाह के लिए जो धनुष भंजन की, धनुष तोड़ने की बात कही महाराज जनक ने, तो क्यों कही? इसके पीछे एक कथा ये है कि जब महाराज श्री जनक जी को शिव जी के द्वारा धनुष दिया गया तो धनुष इतना बलशाली था कि उसको जनकपुर में उस सभा के बीच में रखने के लिए अनेक हाथियों की सहायता, उन हाथियों के बल से वो सभा के बीच में रखा गया। महाराज जनक जी का नियम था कि धनुष की वो पूजा करते थे नित्य। तो जहाँ कोई पूजा स्थल हो, अपने घर में भी जैसे कहीं पवित्र स्थान हो वहीं पर पूजा करते हैं, तो जहाँ धनुष रखा गया तो उस स्थान को पवित्र किया गया। उस स्थान को पवित्र करने के लिए जानकी जी को बुलाया, क्योंकि वो बेटी हैं और हर पिता अपने घर का कार्य बेटी से ज़्यादा अच्छे से करवाते हैं, जानकी जी के ऊपर स्नेह है। तो जानकी जी आई, जानकी जी ने सुंदर पवित्र स्थान किया, धनुष रखा गया, धनुष की नित्य पूजा करते थे जनक जी महाराज। कई दिन बीत गए, एक दिन क्या हुआ कि जनक जी को बाहर जाना था तो अपनी बेटी जानकी से कहा, बेटी हम बाहर जा रहे हैं, तुम इस धनुष की सेवा कर देना, जिस प्रकार हम पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती धूप बत्ती इत्यादि, तो तुम सेवा कर देना। जानकी जी ने कहा, बिल्कुल पिताजी। जनक जी बाहर गए, हमारी मैया जानकी बड़े भाव से सेवा करने लगे, क्योंकि वो बड़े भाव से सेवा करती हैं।
तो जानकी जी जब सेवा कर रही थी तो जानकी जी ने सोचा कि हमने पहले पवित्र किया था स्थान और इसके नीचे गोबर का लेपन किया था, चौक लगाया था, फिर धनुष रखा गया और कई दिन हो गए तो अब धनुष के नीचे काफ़ी कचड़ा हो गया। तो जानकी जी ने क्या किया कि उसके नीचे एक हाथ से, बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से गोबर का लेपन कर दिया और फिर से धनुष को रख दिया। वो धनुष जिसको 10-10, 50-50 हाथी उठाते। हाँ। तो फिर रख करके पूजा की और अक्षत आदि रोली फूल चढ़ा करके सुंदर पूजा की। जनक जी महाराज आए, जनक जी ने अपनी पत्नी को बुलाया, देवी सुनैना इधर आओ, देवी आई। जानकी को बुलाया, बेटी इधर आओ, जानकी जी भी आई। जनक जी ने कहा एक बात बताओ, हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं और जब धनुष रखा गया था उसके पहले ऐसा लेपन हुआ था, आज कैसे संभव हुआ कि धनुष को लाने वाले हाथियों के बल से, जो 50-50, 100-100 हाथियों के बल से और सैनिकों के बल से भी, केवल हाथी नहीं सैनिक भी थे और हाथी भी थे और कई दास भी थे, तो कई लोगों के बल से धनुष रखा गया और आज कोई भी नहीं था, फिर इस धनुष को किसने उठाया और किसने इसके नीचे लेपन किया? तो जानकी जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। जानकी जी ने कहा कि पिताजी हमने किया। कहा कि तुमने कैसे किया? अब जानकी जी ने कहा पिताजी आपने हमें कहा था कि आप धनुष की सेवा करना, तो बेटी का स्वभाव होता है कि कहीं घर में कचड़ा हो तो पहले वो साफ करती है और घर की सफाई भी बेटियाँ बहुत अच्छे से करती हैं, अगर बेटों से कहो तो वो इतने अच्छे से सफाई नहीं करते जितने अच्छे से बेटियाँ करती हैं। तो जानकी जी ने कहा पिताजी हमने साफ किया। तो जानकी जी से कहा कि बेटी कैसे किया जरा हमें बताओगी? तो जानकी जी ने कहा पिताजी बिल्कुल साधारण सी बात है, हमने इस बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से लेपन कर दिया गोबर का, और करके जैसे दिखाया तो जनक जी चौंक पड़े। जनक जी ने सोचा कि धनुष को इतने साधारण रूप से उठाने वाली केवल एक हाथ से हमारी कन्या, इतना बलशाली धनुष को केवल एक हाथ से उठाया, तो इसके लिए बर ऐसा होना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ सके। तो धनुष की जो भंजन की जो प्रतिज्ञा थी, महाराज जनक जी ने उसी समय सोच लिया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही हमारी बेटी जानकी जी से विवाह करेगा। इसके बाद फिर सब आपको पता है कि स्वयंवर हुआ, अलग अलग देशों से कई राजा आए और उसमें विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण भी आए। बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया उसको हिलाने का, लेकिन हिल भी नहीं पाया। इसके बाद फिर वो, हाँ, हमारे राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने, पहले तो विस्तार से कथा है कि महाराज जनक को क्रोध भी आ गया कि वीर विहीन मही में जानी, ये धरती वीरों से विहीन है, पर हमारे लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ और माखे लखन कुटिल भई भौं हैं, तो लखन महाराज खड़े हो गए कि महाराज जनक आपने अनुचित शब्द जो कहे हैं, हमारे विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जहाँ श्री राम जी विराजमान हो वहाँ आपने ऐसे शब्द का उपयोग किया, लेकिन ये लीला है सब। महाराज विश्वामित्र और सभी लोग सोच रहे थे सही समय आए, महाराज विश्वामित्र ने कहा उठहु राम भंजौ बहु चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, और जनक जी का जो परिताप है, क्योंकि एक पिता को चिंता रहती है बेटी के विवाह की, तो महाराज जनक को भी उस समय चिंता थी क्योंकि किसी ने नहीं तोड़ पाया, और दीप दीप के भूपति नाना आए थे लेकिन कोई हिला भी नहीं सका क्योंकि धनुष। एक बात और भी है कि हमारी जो जानकी जी हैं, हमारी मैया हैं, तो इनका जो जन्म धरती से बताया गया है कि ये धरती से महाराज जनक को ये हल चलाते समय मिली थी, तो जानकी जी महारानी धरती की भी पुत्री हैं। तो मैया, उस समय एक भाव आता है, संतों का भी भाव है कि धरती माता भी सोच रही है कि मैं अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ करूंगी जो मुझे उचित लगेगा, तो वो धनुष को भी पकड़े थी इसलिए भी राजा नहीं उठा सके। अनेक भाव हैं इसमें, महाराज श्री शंकर भगवान का धनुष है तो शंकर जी भी पकड़े थे कि हमारे राम जी आएंगे तो वो उठाएंगे, तो अनेक भाव को हम देखते हुए यहाँ श्री राम जी को गुरु जी ने आज्ञा की, राम जी गए और राम जी ने धनुष को तोड़ा, जानकी जी ने वरमाला पहनाई
और महाराज जी ठाकुर जी का विवाह है। लेकिन जब बारात आई, दशरथ जी आए, पूरी बारात आई, और फिर जो सुंदर सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जो सुंदर तरीके से विधि विधान के अनुसार विवाह हुआ, वो अगहन मास मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया गया। इसलिए विवाह पंचमी हम और आप जानते हैं, जो कल हम और सब यहाँ उत्सव भी मनाएंगे, ठाकुर जी की बारात भी जाएगी, सुंदर विवाह का आयोजन होगा, दर्शन करेंगे और खूब गीत भी गाते हैं। अच्छा, हम सब लोग तो बुंदेलखंड वासी हैं और ओरछा आसपास है, तो ओरछा आके विवाह पंचमी का आनंद लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो भगवान राम के प्रेमी हैं, माता जानकी के प्रेमी हैं, बहुत सारे भक्त हैं, देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, वो यदि अपने घर में राम दरबार के सामने ही इसको मनाना चाहें तो कैसे मनाएं, क्या करें? यदि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, या अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे, या राम मंदिर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और घर में मनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ, उनके लिए कि जैसे कि जो सुबह से जो नित्य कर्म करके जैसे पूजा विधि आप करते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्रेम से यहाँ भगवान श्री राम जी का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है विवाह का, तो उस कथा का आप पाठ कर सकते हैं, दीपक जला करके आनंद ले सकते हैं, और आरती करके अपने मतलब सभी पड़ोस वासियों को बुला करके उत्सव मना सकते हैं, विवाह के गीत गा करके। और ठाकुर जी का जिस प्रकार से शालिग्राम तुलसी जी का विवाह का आयोजन अपने अपने घर में करते हैं, तो हमारे राम जी का भी इसी तरह से गा करके धूमधाम से पूजा पाठ करते हुए, उनका इस पूजन करते हुए आनंद ले सकते हैं। ये हमारे साथ साध्वी आस्था व्यास जी थी, इनसे हमने मुलाकात की ओरछा में, और ओरछा में कैसा होने वाला है विवाह उत्सव प्रभु श्री राम और माता जानकी का, इसकी झलकियाँ भी हम आपको बुंदेली वार्ता पे दिखाएंगे। यदि आप आसपास हैं, बुंदेलखंड में रहते हैं, अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप ओरछा ज़रूर आइए और एक बार यहाँ का राम जानकी जन्मोत्सव विवाह उत्सव ज़रूर देखिए। और यदि आप अपने घर में मनाना चाहते हैं तो साध्वी जी ने बताया है कि कैसे कुछ मना सकते हैं आप। रामचरितमानस का वो प्रसंग भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें विवाह का वर्णन किया गया है पूरी तरीके से। तो आपको दिखाएंगे कैसा कुछ होता है यहाँ ओरछा में, कैसे मनाया जाता है प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह उत्सव।